गुजरात के पाटन के पद्मनाथ सोसाइटी में पिछले 10 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने पाटन नगर पालिका में पानी मुद्दे मटका फोड़कर पालिका अध्यक्ष हिरल परमार को अवगत करवाया। आक्रोशित महिलाओं ने नगर पालिका परिसर में नारेबाजी करते हुए मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पानी देने की मांग भी की। મેં બદલના વિસ્તાર ને જી અમારે પાણી આવતું નથી, તે માટે અમે નગરપાલિકામાં આવે છે, મને ફરીથી પાણી નહીં આવે તો ફરીથી અમે ભૂખ હડતાલ કરી નગરપાલિકામાં બેસી જઈશું। અમારે એક મહિનાથી પાણી નથી આવતું અને 3 વર્ષથી આ નગરપાલિકા ભાજપ ચૂંટાઈ આવે છે ત્યારથી અમારે પાણી આવતું નથી। કોંગ્રેસ જીતી આવી હતું ત્યારે અમે પાણી પૂરતું મળતું હતું, પણ ગુવાની કોંગ્રેસ જીતી આવે તો અમારે પાઇપ નખાઈ નાખી આવી દીધા, પાણી અમારે ઉપર ચડતું હતું। गुजरात के वडोदरा में वासना स्थित द ब्राइट स्कूल GSEB में छात्र संघ का चुनाव आयोजित किया गया, जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। छोटे छोटे मतदाताओं ने हर्षोल्लास और उत्साह के साथ छात्र संघ के चुनाव में शिरकत की। भारत का भविष्य, ऐसे छोटे छोटे मतदाताओं ने कंप्यूटराइज्ड वोटिंग प्रक्रिया से अपना महत्वपूर्ण वोट देते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। इस चुनाव में स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह, शिक्षक, प्रिंसिपल सभी ने अहम भूमिका निभाते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया। मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा वोट हमारे स्कूल के भविष्य को आकार देने में योगदान दे सकता है। स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हमें हमारे देश का एक जागरूक नागरिक बनने का अभ्यास कराता है और हम स्टूडेंट्स के वोट यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लीडर्स हमारे आइडियाज़ और हमारे स्कूल एनवायरमेंट को अच्छा बनाने का काम दर्शाए। Our school's election process is very similar to the actual process. Candidates ने अपने nomination form भरे और उन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रकट करते हुए प्रचार किया। After few days of campaigning, dress day was given और आज हम सब यहाँ पे voting के लिए एकत्रित हुए हैं। We are also inked before casting our vote. Our school provides a very good experience of the election. हमारे देश का चुनाव प्रक्रिया काफ़ी स्पष्ट है। बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शंस। येस, स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शंस वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए। आज मैं हाउस कैप्टन की पोस्ट के लिए खड़ी हूँ एज आई बिलीव इन स्टूडेंट्स वॉइस एंड पावर। Yes, I believe in students' voice and power. I am passionate about creating an inclusive and vibrant school community जहाँ सबको wonderful feel हो, जहाँ सब respectful और महत्वपूर्ण feel करें। आज हमारे ब्राइट स्कूल वासना GSEB यूनिट में स्टूडेंट काउंसिल यूनियन का इलेक्शन हुआ है, जिसमें करीबन 1500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे यहाँ 4 houses हैं। हर एक हाउस के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का चुनाव होता है, उसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव किया जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने देश में जैसे चुनाव प्रक्रिया होती है, उसी तरह हमारे स्कूल के हर एक बच्चे को जो अपने भावी सिटीजन्स हैं उनको ये चुनाव प्रक्रिया करवा के उनका महत्व हम समझाते हैं। आज के ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में हमारे प्रेसिडेंट सर श्री सौमिल शाह ने मार्गदर्शन दिया है और अपनी उपस्थिति से बच्चों को प्रोत्साहित किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। गुजरात के अमरेली के धारी निकट विसावदर रोड पर मालसिका गांव है, जहां 5 शेरों द्वारा एक गाय का शिकार किया गया होने का वीडियो सामने आया है। देर रात 5 शेरों ने गांव के अंदर बैठी हुई एक गाय पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया, जिसका वीडियो स्थानीय निवासी ने मोबाइल में कैद किया है, जिसमें 5 शेर एक साथ गाय पर हमला कर उसका शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। धारी तालुका के आसपास के जंगलों में बड़ी संख्या में शेर रहते हैं, जो कई बार रिहायशी इलाकों में भी चले आते हैं। कुछ ऐसा ही फिर एक बार देखा गया, जहां 5 शेरों के झुंड ने गाय को निशाना बनाया।
संसद सत्र का आज शुक्रवार 28 जून को पांचवा दिन रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेज हैं, एक है। तरफ नहीं माने, प्लीज ओके। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने की, लेकिन विपक्ष ने यहां भी नीट मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।